तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे, हर पल मेरी हर बात तेरी महिमा गाती, हाथों को स्वर की तरफ उठाइए, समर्पित करिए अपने आप को परमेश्वर के चरणों में। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। यीशुआ, बोलिए यीशुआ, अपने हाथों को उठाइए, यीशुआ, यीशुआ, जो घुटने पे आना चाहते हैं घुटने पे आकर बुलाइए उसे आपके जीवन में। तेरे घुटने तेरे सामने टिके, मेरा सर तेरे सामने झुके, मेरे घुटने तेरे सामने टिके, मेरा सर तेरे सामने झुके, यीशुआ, यीशुआ, पवित्र सामर्थ्य नाम में आपको शिफा है परमेश्वर, धन्यवाद देते परमेश्वर। आई वह हर भाई बहन के लिए आशीष मांगते परमेश्वर, जो भाई बहन देख रहे हैं परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। भर दे अपनी रूह से सबको, भर दे अपनी रूह से सबको परमेश्वर, होने दे तेरी इच्छा पूरी, होने दे तेरी इच्छा पूरी रे बाबा, आरी 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 हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया, अपना मुंह खोलिए, धन्यवाद दीजिए। आपके जीवन में जो परमेश्वर ने किया उसका धन्यवाद दीजिए। आज तक जो परमेश्वर ने आपके जीवन में किया उसको धन्यवाद दीजिए, बताइए उसको धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए परमेश्वर से, कहिए कि परमेश्वर धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर तुमने मुझको चुना, धन्यवाद परमेश्वर तुमने मुझे आशीष दी, धन्यवाद तुमने मुझे मुझे बचाया परमेश्वर, धन्यवाद 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 धन्यवाद। छोटी सी छोटी आशीषों को भी आप धन्यवाद दीजिए।
छोटे से छोटे आशीष को भी परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए याद करिए, याद करिए, याद करिए। ओ रे बाला रिया 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 यीशु यीशु के बिना अधूरे। हमारे जीवन में हमारे साथ हर पल यीशु की उपस्थिति रहे। अपने आप को प्रार्थना में लेके जाइए, उससे कहिए कि यीशु तो हमारे जीवन में आ, यीशु तो हर पल मेरे साथ रहे, यीशु मेरी बुद्धि में रहे, मेरी आत्मा में रहे, यीशु हर पल मैं तेरी उपस्थिति को महसूस करूं, मैं तेरे साथ चलूं, यीशु मुझे तेरी जरूरत है, मुझे 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 तेरी जरूरत है यीशु। यस लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, मेरे जीवन में आ, मेरे जीवन में आ और मुझे मुकम्मल कर, मुझे संपूर्ण कर, मुझे सिद्ध कर, मुझे अपनी उपस्थिति में ले चल, अपनी रूह के साथ अंगवाई में ले चल परमेश्वर। धन्यवाद 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 यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं आज की सभा के लिए, आज के वचनों के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। भर दे अपनी रूह से, खोल दे परमेश्वर, इनके मनों को खोल परमेश्वर, इनकी बुद्धि को खोल, ताकि तेरे मुख से निकले हुए वचनों को समझ सके परमेश्वर, इनका जीवन बदल जाए परमेश्वर। यस लॉर्ड, जैसा आज है वैसा ना रहे, हम तेरे और करीब आए, तेरे और करीब आए, तेरी और उपस्थिति में अपने आप को ले जाएं, रूपांतरण हो। यस लॉर्ड, धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रार्थना आपने सुनी और कबूल की, हम सब कहेंगे जोर से तालियां बजाइए पिता परमेश्वर के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, यीशु मसीह के लिए। कोई बोलेगा हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। कितनों ने महसूस किया परमेश्वर की उपस्थिति को, आमेन। जब हम उसको बुलाते हैं तो वो आता है, याद रखिए, जब हम उसे अपने दिल से बुलाते हैं, जब उसे कहते हैं कि हमें तेरी जरूरत, हमें आपकी जरूरत है, जब हम उससे कहते हैं कि हम तेरे बिना नहीं रह सकते, हर पल हर कदम पे मुझे तेरी जरूरत है। यस, महसूस करिए, हम उसके बिना नहीं, हम अधूरे हैं, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है उसके बिना। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, उसको बुलाते रहिए, यीशु आ, यीशु मेरे जीवन में आ, मेरी बुद्धि को संभाल, मेरी गति को संभाल, मेरी चाल को संभाल, ताकि मैं तेरे योग्य चाल चलूं, ताकि मैं तेरे अनुसार जीवन जीऊं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मैं आपको सच बता रहा हूं, मेरा यीशु बहुत अच्छा है, बहुत भला है। जब आप बुलाएंगे ना, वो आएगा और आपको अपने प्रेम से भर देगा, भर देगा। आप उस प्रेम में पागल हो जाएंगे, मैं सच कह रहा हूं। जब यीशु मसीह आपके अंदर आएगा ना, आप संसार के नहीं रहेंगे, आप हर पल यीशु 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 जपेंगे, आप पागल जैसी हरकतें करेंगे, लोग कहेंगे अरे भाई आदमी पागल हो गया है, क्या हो गया इसे, उठते बैठते सिर्फ यीशु यीशु बोलता है, ये कुछ और याद ही नहीं रहेगा आपको। आमेन।
कितने लोग यीशु के लिए पागल होना चाहते हैं? मैं तो हूं, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं तो हर पल, एक पल भी ऐसा नहीं जाता जब मैं यीशु को याद नहीं करता हूं, उसका धन्यवाद नहीं करता, क्योंकि वो धन्यवाद के योग्य है। बहुत 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 भला है। आप सोचिए कि हम जैसे पापियों के लिए उसने अपना बलिदान कर दिया, अपने शरीर का बलिदान कर दिया। 39 कोड़ों की मार खाई उसने हमें शुद्ध करने के लिए, हमें पवित्र करने के लिए, हमें अपने योग्य बनाने के लिए, हमें पिता से मिलवाने के लिए। सोचिए आपसे कितना प्रेम करता है, सोचिए कैसा है हमारा प्रभु। आमीन। सोचिए आप कहीं और जाएंगे, किसी मूर्ति के सामने प्रार्थना करेंगे, मुझे नौकरी चाहिए, हो सकता है वहां से नौकरी मिल जाए, हो सकता है वहां से पैसा मिल जाए, हो सकता है आपके कर्ज मुक्त हो जाएं, लेकिन जब आप यीशु के पास आएंगे, पता है वो क्या देगा आपको? जब आप यीशु पासी के पास आएंगे तो कहेगा, तेरे पाप मुक्त हुए। तेरे पापों से तुझे मुक्त कर दिया। सोचिए कितनी बड़ी सौगात। जिस दिन हम ये समझ गए कि यीशु ने अपने बलिदान के द्वारा हमें हमारे पापों से मुक्ति दी है, हमें अपनी धार्मिकता दी है, अपनी पवित्रता दी है। आपको पता है आप यीशु से क्यों प्यार करते? क्योंकि उसने अपनी पवित्रता आपके अंदर डाल दी है, और अब आपके अंदर जो पवित्रता है ना, वो यीशु को खींचती है। यीशु की पवित्रता आपकी पवित्रता को खींचता है। इसलिए आपको हर पल आपको लगता है कि मैं यीशु के पास जाऊं, मैं यीशु से बातें करूं, मैं यीशु का नाम गूंजूं, मैं यीशु को नाम लूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि वो जो पवित्रता है, उसकी पवित्रता वो आप में है। इसलिए आपके अंदर की पवित्रता उसकी पवित्रता को बुलाती है। एक चुंबकीय शक्ति है, एक चुंबकीय शक्ति है यीशु में, क्योंकि आप में वो चुंबक दे दिया है परमेश्वर ने। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आपको हर पल यीशु चाहिए। आमीन। क्योंकि उसने आपको शुद्ध किया है, क्योंकि उसने आपको पवित्र किया है। हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं जो आज के वचन का उन्वान है। कभी कभी आप सोचते हैं, मैं सोचता हूं कि यीशु को कैसा प्रेम चाहिए, मैं कैसा प्रेम करूं कि उसे अच्छा लगे, है ना? प्रेज द लॉर्ड। मैं सोचता हूं कि मैं अपने यीशु को कैसा प्रेम करूं, क्या करूं जिससे वो खुश हो जाए, क्या करूं जिससे उसकी उपस्थिति मुझ में आ जाए, मैं क्या करूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि परमेश्वर को, यीशु को कौन से प्रेम पसंद है, कैसा प्रेम, आप कैसा प्रेम करें वो चाहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज हम एक वचन पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हमारी बहन वचन पढ़ेगी, मती 26 का 7वां और उसके बाद 10वां, मैथ्यू 26:7-10। आज मैं आपको बताऊंगा डिफरेंट उदाहरणों के साथ कि प्रभु यीशु को कैसा प्रेम पसंद है, कैसा व्यवहार पसंद है, कैसा हमारा नजरिया पसंद है। आमीन। परमेश्वर क्या चाहता है? हम अपने हिसाब से प्यार ना करें, जैसा वो चाहता है हम वैसा प्यार करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। 27:26 का 7 पढ़िए बेटा। तो एक स्त्री
संगमरमर के पात्र में बहु एक स्त्री, अब ये एक शमोन कनोनी है, एक कुड़ी है, उसके घर में बैठा हुआ है और वहां पर इसको दावत पे बुलाया है, यीशु मसीह को दावत पे बुलाया है, खाना खा रहा है यीशु मसीह। आमीन। अब यहां पर एक औरत आती है, एक औरत आती है जो पापिन थी। अब देखिए वो औरत क्या करती है। तो एक स्त्री संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र लेकर उसके पास आई। एक स्त्री संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र लेकर उसके पास आई। खाली नहीं आई, हेलो प्रेज द लॉर्ड, खाली नहीं आई, प्रभु के पास जा रही है वो। प्रेज द लॉर्ड, वो प्रभु के पास जा रही है। एक स्त्री संगमरमर का पात्र लेकर, इत्र लेकर यीशु मसीह के पास आई। आगे, और जब वहां भोजन करने बैठा हाँ, तो उसके सिर पर उंडेल दिया। और उसके सिर पर उंडेल दिया। कभी आपने सोचा है? आप भी इत्र लगाते होंगे, आप भी परफ्यूम लगाते होंगे, आप खाने के लिए बैठे, कोई पूरी बोतल आपके सिर पर उंडेल दे, आपको अच्छा लगेगा? आप बोले कि क्या है यार, लगेगा कि नहीं लगेगा? प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यीशु मसीह को बुरा नहीं लगा। कोड़े चढ़ गए, जो चेले थे उनको क्रोध आया, कह रहे ये क्या है। लेकिन यीशु का कहता है दसवां वचन, यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, यह जानकर यीशु ने उससे कहा, स्त्री को क्यों सताते हो, क्यों स्त्री को सताते हो? हाँ जी, उसने मेरे साथ भलाई की है। आमीन। यीशु मसीह को इसमें भलाई लग रही है। प्रेज द लॉर्ड। हेलो, वचन क्या बताता है कि यीशु मसीह वो प्यार नहीं चाहता है जो बनावटी हो, हम हाथ उठा के खड़े हों, हम घुटने में बैठे रहें। नहीं नहीं, यीशु को वो प्यार चाहिए जिसमें समर्पण हो। Praise the Lord, जिसमें समर्पण हो। वो आपको एक टेक्निकली वो प्यार नहीं चाहता है कि आपको ऐसे प्यार करना है, दूर से खड़े रहना है, प्रभु को मांगना है, दंडवत करना है। नहीं नहीं, वो चाहता है मेरा बच्चा दिल से मुझे प्यार करे। इस इत्र की बोतल, ये जो औरत थी जो कि पता नहीं पापन रही होगी, जिसने क्या गुनाह किया होगा, जब वो आई यीशु मसीह से मिलने के लिए तो उसने पूरी बोतल यीशु के सिर पर उड़ेल दी। और आगे क्या लिखा हुआ है कि एक जब आई थी तो उसके रो रही है वो। देखिए परमेश्वर क्या चाहता है। आपकी जो प्रार्थना है ना, आप प्रार्थना करें, नहीं मुझे बैठ के करनी है, मुझे खड़े होकर प्रार्थना करनी है, नहीं मुझे 6 बजे करनी है, मुझे 7 बजे करनी है, मुझे दोपहर को 2 बजे करनी है। नहीं मेरे भाई, जब परमेश्वर का प्रेम हमारे दिल में समा जाए, जब हमें उसकी याद आए, घुटने टेक दीजिए और प्रार्थना शुरू कर दीजिए। हमें समय नहीं बांधना है, हमें समय नहीं बांधना है, बंद कर प्रार्थना नहीं करनी है। हेलो, बंद के प्रार्थना नहीं करनी है, दिखावे की प्रार्थना नहीं करनी है। कई लोग दिखावे की प्रार्थना करते हैं, अनाउंस करके प्रार्थना करते हैं। हमें दिखावे की प्रार्थना नहीं करनी है, प्रभु को अच्छा नहीं लगता। इसलिए क्या कहता है, देखिए 5 और 6, छठा का देखिए, मती का 6 और 5 और 6, देखिए आपको कैसे प्रार्थना करनी है, प्रभु क्या चाहता है। मैथ्यू 6:5-6, और जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। प्रेज द लॉर्ड, ये जो औरत आई ना, इसको बुलाया नहीं गया था और इसने आज्ञा भी नहीं मांगी कि प्रभु मैं आपको प्रेम करना चाहती हूं, परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद देना चाहती हूं। इसने आज्ञा मानी नहीं। ये गरीब औरत, पता नहीं 300 दिनार का परफ्यूम था, इत्र की बोतल,
इसने क्या अपना कुछ बेचा होगा, कैसे वो लाई होगी कि मैं अपने प्रेम का अपने यीशु के सामने प्रदर्शन करूं कि मैं अपने यीशु को प्यार करती हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमें बंद के प्रार्थना नहीं करनी है। बाइबल क्या कहती है, हमें ऐसे प्रार्थना नहीं करनी है दिखावटी प्रार्थना, हम बैठे हुए हैं, दिल से प्रार्थना करनी है। प्रभु को यह प्रार्थना अच्छी लगी, उसने उसने उसका दिल देखा, उसके सिर पर इत्र की बोतल उड़ेल दी गई, उसे बुरा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि वो दिल से प्यार कर रही थी। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपका दिल देखता है क्या आप उसे, आप कैसे आते हैं, आपका दिल देखता है। पिता जब वो चर्च में खड़ा होता है, आपको पता है आने, आपके आने से पहले पिता परमेश्वर यहां पर होता है, यीशु यहां पर होता है। प्रेज द लॉर्ड। वो एक एक आदमी को देखता है कि कैसे आप चर्च में आ रहे हैं, किस मन से आ रहे हैं, किसके लिए आ रहे हैं, क्या पाना चाहते हैं, सबको देखता है। प्रेज द लॉर्ड। हम चर्च में कैसे आ रहे हैं, हमारा दिल क्या है, हम क्या पाना चाहते हैं, हम प्रभु को कैसे देखते हैं, हमारे लिए प्रभु की वैल्यू क्या है, हमारे लिए यीशु की कीमत क्या है। प्रेज द लॉर्ड। मेरी प्यास क्या है, सब प्रभु देखता है यहां पर, और उसी के अनुसार प्रतिफल मिलता है, उसी के अनुसार। इसलिए वो जो औरत थी वो आई और यीशु कहते हैं कि तुम इसे क्यों सताते हो, इसने मेरे संग भलाई की है, मुझसे प्रेम किया है। परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का प्रेम जो वो हम में उड़ेलता है, परमेश्वर का प्रेम जो वो हमारे अंदर देता है, हमें उस प्रेम को कैसे परमेश्वर के लिए उपयोग करना है। जिस दिन हम ये सीख गए ना मेरे भाई, मैं सच कह रहा हूं, आपका जीवन बदल जाएगा, आपका नजरिया बदल जाएगा। बदल जाएगा नजरिया कि आप कैसे परमेश्वर से प्रेम करें। मरियम मगदलीनी जिसने यीशु को पाया, जो कि एक वैश्या थी, प्रेज द लॉर्ड, वो यीशु की चेली नहीं थी, यीशु की शिष्या नहीं थी, लेकिन आपको पता है जब यीशु मसीह जी उठे तो सबसे पहले उसको दर्शन दिया। क्यों? आपको पता है, एक वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा, जॉन 20 का 13, जॉन 20:13, मरियम मगदलीनी जो कि उसकी शिष्या नहीं थी, यीशु मसीह उसका पास्टर नहीं था, यीशु मसीह ने उसे चुना नहीं था, लेकिन वो एक पापिन थी जिसके पापों को यीशु मसीह ने माफ किया था। प्रेज़ द लॉर्ड। अब जब यीशु मसीह क्रूसीफाइड होकर एक कब्र में उनको डाल दिया गया, प्रेज़ द लॉर्ड, चेले जो थे जिनको चुना गया था वो ऊपरी कोठरी में डर के बैठे हुए थे, और ये मरियम मगदलीनी अपने हाथों में मसाले लिए हुए सुबह रात का वक्त कब्र के पास बैठी हुई है, अंधेरा है और रो रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर यीशु मसीह के प्यार में इतनी पागल है कि उसको पता ही नहीं है कि मैं किससे बात कर रही हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िए बेटा, उन्होंने उससे कहा, उन्होंने हे नारी, तू क्यों रोती है? ये कौन कह रहा है? स्वर्गदूत कह रहे हैं, मरियम मगदलीनी से स्वर्गदूत कह रहे हैं कि नारी तू क्यों रो रही है। वो यीशु के प्यार में पागल है, उसको नहीं पता है ये स्वर्गदूत है ये कौन है। नहीं, मुझे मेरा यीशु चाहिए, मेरे यीशु को कोई ले गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे बढ़िया, उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहां रखा है। वो मेरे प्रभु को उठा ले गए,
Praise the Lord. इन्हें के प्रभु यीशु जो मर चुका है वो मरे हुए यीशु के लिए रो रही है, उसको मतलब नहीं है कि अब यीशु मर चुका है, अब मेरे लिए क्या काम करेगा, अब मुझे चंगाई देगा, मुझे पैसा देगा, मुझे नौकरी देगा, मुझे धंधा देगा, या कुछ नहीं देगा, उसे यीशु चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। चाहे यीशु मुझे कुछ दे या ना दे, मेरा यीशु प्रभु है। प्रेज़ द लॉर्ड, मुझे यीशु चाहिए। जिस दिन हमारे प्रेम में यह धारणा होगी, जिस दिन हम उस प्रेम को समझ जाएंगे कि मेरा यीशु जिसने मुझे चुना है, जिसने मुझे शुद्ध किया है, मेरे लिए इतना ही बहुत है। यस, हालेलुया। मुझे गाड़ी बंगला नहीं चाहिए। अगर यीशु मुझे रोटी नहीं देता है, मुझे रोटी नहीं मिलती, नहीं सही। मेरा धंधा नहीं चलता है, ना सही। मुझे नौकरी नहीं मिलती है, ना सही। लेकिन मुझे यीशु मिल गया है। हालेलुया। जिस दिन आपकी प्रेम में यह धारणा होगी, आमेन। क्यों, कब होगी वह धारणा? जब आप अपने चुने जाने की वैल्यू को समझेंगे, जब आप समझेंगे कि पाप, जब आप पाप से मुक्त हो गए तो आप क्या बन गए, जब आप समझेंगे कि पाप से मुक्त करने वाला इंसान नहीं होता है, पाप से मुक्त करने वाला परमेश्वर होता है जो मनुष्य का रूप लेकर यहां धरती पर आया था और जिसने मुझे शुद्ध किया है, जिसने मुझे अपना पुत्र बनाया है, जिसने मुझे स्वर्ग का उत्तराधिकारी बनाया है। आमेन। इतना सब कुछ मुझे मिल गया है, अब मुझे कुछ भी ना मिले तो मुझे जरूरत नहीं है, बस जो मुझे मिल गया है मैं उसको संभाल सकूं। प्रेज़ द लॉर्ड। जो मुझे मिल गया है मैं उसकी कीमत अपने मरते दम तक अपने अंदर रख सकूं। मेरा रोज, मेरे अंदर का प्रेम बड़े कम ना हो। प्रेज़ द लॉर्ड। रोज मेरा प्रेम बढ़ना चाहिए प्रभु के लिए, मेरे यीशु के लिए। मुझे यीशु मिल गया है। मरियम मगदलीनी कह रहे, मेरे यीशु को ले गए। प्रेज़ द लॉर्ड। आमेन। ये प्रेम परमेश्वर को पसंद है। परमेश्वर ऐसा प्रेम चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने जान लिया था कि यीशु कौन है। कोई आपके लिए मर सकता है? कोई आपका अपना, आपका पिता, आपका पति, आपकी पत्नी आपके लिए जान दे सकता है? यीशु ने आपके लिए अपनी जान दी है। यीशु ने आपके लिए इतना कष्ट सहा है कोई नहीं कर सकता है। आप सोच भी नहीं सकते। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये है प्रेम परमेश्वर का, और इसी प्रेम के अनुसार परमेश्वर चाहता है कि हम उसके अनुसार चलें। यही प्रेम तो परमेश्वर पसंद करता है। हेलो, आपको पता है आपको आपका बच्चा क्यों प्यारा है? आपको बेटा प्यारा है? आपके बच्चे प्यारे हैं आपको? हां कि ना? प्रेज द लॉर्ड। है ना? क्यों प्यारा है? क्या है आपके बेटे में? आपके बेटे में, आपकी बेटी में, आपके माता में, आपके मम्मी में, आपके पापा में क्या है ऐसा जो आप उससे प्यार करते हैं, जिसको आप, आपको बहुत अच्छा लगता है? क्या है? आपका लहू। आपको पता है आपका बच्चा आपको क्यों प्यारा है? क्योंकि उसके अंदर आपका लहू है। वो लहू
उस प्रेम को आपके अंदर जगाता है अपनी बच्ची के लिए, अपने बेटे के लिए। और जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं ना, उसका लहू आप में आ जाता है। जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जब आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मेरे लिए मरा और मर के जिंदा हो गया, जब आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, जब आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह स्वर्ग से धरती पर आया मुझे बचाने के लिए, उसका लहू आपके अंदर आ जाता है और वो लहू आपके अंदर एक रिश्ता बनाता है प्रभु के साथ, और आप परमेश्वर के प्रेम में पागल हो जाते हैं। आमेन। परमेश्वर का प्रेम, और मैं आपको बता दूं एक विषय है जांचने का, जितना आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम बढ़ता जाएगा, आप समझिए कि उसका लहू आपके अंदर काम कर रहा है। अगर आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम बढ़ रहा है, आप समझिए उसका लहू आपके अंदर काम कर रहा है। अगर आप परमेश्वर के प्रेम को अपने अंदर से घटता हुआ देख रहे हैं, तो आप समझ जाइए चौकन्ने हो जाइए कि शैतान काम कर रहा है आपके अंदर से, अगर उसका प्रेम कम हो रहा है तो। प्रेज द लॉर्ड। यीशु का प्रेम, क्यों उसने अपना लहू दिया? ताकि आप उस प्रेम को जो अनंत काल का है, जो अविनाशी है, जो अमिट है, उस प्रेम को आप हमेशा अपने अंदर रख सकें और उस परमेश्वर से प्रेम कर सकें। मैं आपको बताऊं एक चीज, आपके जो जमीनी रिश्ते हैं ना, आपके मां, आपका पिता, आपकी बेटी, आपकी बेटा, आपकी पत्नी, आपका बेटा, ये सब कुछ समय के लिए है, ये सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन एक रिश्ता जो उस पिता के साथ है, जो यीशु के साथ है, वो कभी खत्म नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा। वो अनंत काल का है, कोई उस रिश्ते को खत्म नहीं कर सकता, कोई रिश्ते को खत्म नहीं कर सकता। वो है रिश्ता ऐसा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए कोई आपसे कहता है कि आप यीशु मसीह से क्यों प्यार करते हैं, आप बोलिए कि उसका लहू मेरे अंदर है। प्रेज द लॉर्ड। और मैं आपको सच बताऊं, प्रभु आपसे बहुत प्रेम करता है। ये अंतिम समय है, हम जो 25 तारीख अभी शनिवार को मनाने जा रहे हैं, क्यों मैं आपसे बोलता हूं, औरों तक पहुंचाइए इस संदेश को, अपने अड़ोसी पड़ोसियों को बताइए, जिनको जिज्ञासा है, जो बंधन में है, उनको लेकर आइए ताकि वो आजाद हो जाएं, ताकि वो पवित्रता के साथ उस परमेश्वर को प्राप्त करें जो जीवित है, जो सर्वशक्तिमान है, जो जिंदा है, ताकि आप उस प्रतिफल को प्राप्त करें, ताकि आप उस प्रेम को जो आपके अंदर परमेश्वर ने बोया है, उस प्रेम को लेकर चलें। मैं आपको सच कह रहा हूं, अगर परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर है, अगर आप परमेश्वर के प्रेम को अपने अंदर बढ़ा रहे हैं रोज, कोई भी चिंता, कोई भी मुसीबत, शैतान की कोई भी योजना काम नहीं आएगी। परमेश्वर का प्रेम जो आपके अंदर है, जो उसने बोया है, वो आपकी हिफाजत करेगा। यीशु का लहू जो आपके अंदर है, वो आपको बचाएगा। कब डरते हैं आप? जब आपका प्रेम कम होता है, आप डर जाते हैं।
कि पता नहीं मेरी जिंदगी का क्या होगा, क्या होगा मैं, क्या होगा मेरी जिंदगी का, मेरे बच्ची का क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरी बच्ची की शादी का क्या होगा, मेरी बच्ची मां नहीं बनी क्या होगा। मेरे भाई, हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। मेरा यीशु हर दुख को लेकर, हर समस्या को लेकर क्रूस पर मर चुका है। हर समस्या का समाधान कर दिया उसने। उसने क्रूस पर मरते हुए कहा, पूरा हुआ। आमीन। वो जो था ना एक चोर जो यीशु मसीह के साथ क्रूसीफाइड था, यीशु मसीह के दाहिनी ओर था, सब लोग कह रहे थे, नीचे खड़े हुए सिपाही कह रहे थे, अरे मंदिर को ढाने वाले और तीन दिन में बनाने वाले, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो नीचे आ, आके दिखा अपने आप को, बचा। यीशु मसीह चुप था, कुछ नहीं बोल रहा था, कुछ नहीं बोल रहा था। और जो ये चोर था, एक इन दो चोरों में से एक जो चोर था, वो यीशु मसीह की निंदा कर रहा था, कह रहे अपने आप को बचा और हमें भी बचा, अगर तू कुछ है। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा, परमेश्वर इन्हें माफ करो, ये कुछ नहीं जानते, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। आमीन। जब इस दाहिने हाथ वाले चोर ने सुना कि अरे ये कुछ तो संत है, इसने कुछ भी नहीं किया लेकिन फिर भी ये माफ कर रहा है, ये प्यार कर रहा है उनसे जिन्होंने इसको मारा है, उसी वक्त प्रभु का प्रेम उसके अंदर आया। आमीन। और उससे कहा, यीशु जब तू ताकत में आएगा, जब तू अपने राज्य में आएगा तो मुझे याद करना। क्या कहा यीशु ने पता है, तू आज शाम मेरे साथ स्वर्ग लोक होगा। प्रेज द लॉर्ड। तू आज शाम मेरे साथ स्वर्गलोक होगा। यीशु ने दुनिया को बताया कि मैं स्वर्ग का राजा हूं। कौन बुलाता है अपने घर में, अपने घर में कौन बुलाता है? आप अगर मुझे अपने घर में बुलाएंगे तो आप अपने घर की रानी हैं, आप अपने घर के राजा हैं, तभी आप मुझे बुला रहे हैं कि प्रोफेसर आइएगा आज मेरे घर पे शाम को। आमीन। यीशु ने दुनिया को जवाब दिया कि मैं कौन हूं, और उस चोर से कहा कि तू आज शाम को स्वर्ग लोक होगा मेरे साथ। प्रेज द लॉर्ड। आप सोचिए वो क्या चाहता है। प्रभु यीशु चाहता है कि हम उसे जाने। क्यों आपको कलीसिया में लेकर आता है, ताकि आप उसको जाने कि वो कौन है, उसका प्यार क्या है, उसकी कुर्बानी क्या, उसका बलिदान क्या है। ये क्रिसमस हम क्यों मनाने जा रहे हैं? दुनिया के लिए हर साल 25 दिसंबर को क्रिसमस होता है। अगले शनिवार को हमारे चर्च में भी क्रिसमस होगा। लेकिन एक बात मैं आपसे पूछता हूं, 2021 साल पहले यीशु मसीह ने जन्म लिया था इस धरती पर, क्या यीशु मसीह ने आपके दिल में, आपके जीवन में जन्म लिया है? क्या यीशु मसीह ने आपके दिल में, आपके मन में जन्म लिया है? Yes. अगर तो यीशु मसीह ने आपके अंदर जन्म लिया है तो आप क्रिसमस मना सकते हैं। आमीन। जांचिए अपने मन को कि मेरे अंदर यीशु जन्म ले चुका है कि नहीं ले चुका है, मेरे अंदर यीशु है कि नहीं है। तब आप उस बलिदान को समझेंगे, तब आप उसके प्रेम को समझेंगे, तब आप उसकी रक्षा करेंगे, तब आप कहेंगे कि नहीं, मेरे अंदर यीशु रहे। एक गर्भवती औरत, जब बीज, बच्चे का बीज उसके अंदर आता है,
वो अपनी जिंदगी नहीं जीती है, वो किसकी जिंदगी जीती है? बच्चे के लिए। उठती बैठती सोती पीती खाती सिर्फ बच्चे के लिए। मेरा बच्चा सुरक्षित रहे, मेरा बच्चा सुरक्षित रहे जो मेरे अंदर है। अगर यीशु ने आपके लिए आपके अंदर जन्म ले लिया मेरी जहन, तो हमें अपना जीवन अपने लिए नहीं बिताना है, हमें अपना जीवन यीशु के लिए बिताना है। क्योंकि यीशु मेरे अंदर जन्म ले चुका है। Praise the Lord! अब मुझे देखना है, जांचना है, सावधान रहना है कि मेरे अंदर से यीशु ना जाए। हालेलुया। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं कि यीशु के प्रेम को रोज अपने अंदर बढ़ाइए, रोज उसकी भलाइयों को देखिए, उसकी भलाइयों को देखिए कि उसने क्या क्या भलाई की है आपके साथ। हो सकता है आपने प्रार्थना कर रहे हो किसी चीज के लिए और आपकी प्रार्थना पूरी नहीं हो रही हो या उसमें देर लग रही हो सकता है। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि आप उन चीज को मत देखिए कि आपकी प्रार्थना पूरी नहीं हो रही है। आप उन चीजों को देखिए कि प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए कौन सी भलाई कर दी है। आप उस भलाई को याद करिए। मैं एक बहन को समझा रहा था। एक बहन इस समय हमारे चर्च में आती थी, उनका जो बच्चा है शादी से पहले उन्हें बहुत प्यार करता था, लेकिन शादी के बाद वो चेंज हो गया, अपनी पत्नी के कहने पर आ गया, अपनी सास के कहने पर आ गया। अब वो बेचारी बहुत दुखी है कि मेरा बच्चा मुझे नहीं पूछता, कोई मुझसे बात ही नहीं करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप दुखी रहेंगे, अगर आप इस बात को सोचेंगे कि इसको मैंने पैदा किया था, अभी इसने मुझे छोड़ दिया है, तो आप रोज अपने मन को, अपनी आत्मा को घृणा में बदलेंगे, नफरत में बदलेंगे, और शैतान आपके अंदर काम करेगा, अपने अंदर आपके अंदर नफरत पैदा करेगा अपने बेटे के लिए, अपनी बहू के लिए, अपनी समधिन के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि अपने अंदर घृणा मत आने दीजिए अपने बेटे के लिए। जो कुछ उसने किया है उसकी भलाइयों का धन्यवाद दीजिए। अपनी बहू का, जो भी आपकी बहू ने किया उसका धन्यवाद दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस दिन आप उसकी भलाइयों का याद करेंगी कि नहीं मेरे बेटे ने क्या भलाई की है, उस दिन आपके अंदर से नफरत निकलेगी और प्रेम आएगा। और जिस दिन आपका आपके अंदर प्रेम आ जाएगा, वो आपको शक्तिशाली बनाएगा, नफरत आपको खत्म कर देगी, लेकिन प्रेम आपको जीवन देगा और आपको शक्ति देगा। इसलिए परमेश्वर प्रेम है। जो परमेश्वर में बना रहता है, परमेश्वर उसमें बना रहता है। पहला यूहन्ना 4:16 लिखा हुआ है। इसलिए अपने अंदर प्रेम मत निकालिए अपने अंदर से। कहीं भी अपने अपना पार्टनर के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए प्रेम रखिए। क्योंकि अगर आपके अंदर से प्रेम निकल गया तो परमेश्वर आपके अंदर से निकल गया। पहला यूहन्ना 4:16, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। पढ़ो बेटा, जल्दी से पढ़ो। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो प्रेम में बना रहता है परमेश्वर उसमें बना रहता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका यीशु आप में बना रहे, अगर आप चाहते हैं कि आपका पिता आप में बना रहे, तो आप प्रेम में बने रहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। उस घृणा को, उस नफरत को, चाहे वो आपके लिए हो, चाहे आपके पति के लिए हो, चाहे आपके पड़ोसी के लिए हो, चाहे आपके ननद के लिए हो, सास के लिए हो, किसी के लिए भी हो,
अपने अंदर मत आने दीजिए, क्योंकि अगर घृणा आपके अंदर आई वो आपको कमजोर कर देगा। दिन पे दिन आप कमजोर होती जाएंगी, दिन पे दिन, क्योंकि परमेश्वर निकल जाएगा। और अगर आपके अंदर प्रेम रहेगा तो परमेश्वर आपके अंदर रहेगा, और जब परमेश्वर आपके अंदर रहेगा तो आप कोई भी लड़ाई लड़ सकती हैं, आप किसी भी चट्टान का सामना कर सकती हैं, क्योंकि पृथ्वी को स्वर्ग को रचने वाला परमेश्वर आपके अंदर है। आमीन। इसलिए प्रेम परमेश्वर जैसा चाहता है दिल से करिए, मन से करिए, जैसे उस औरत ने किया था। वो लेकर आई थी और उसने पूरी इत्र की बोतल उसके सिर पर उड़ेल दी और यीशु को बुरा नहीं लगा। समझ जाइए यीशु कैसा प्रेम चाहता है। यीशु दिल से प्रेम चाहता है। दिखावा, प्रेम में दिखावा मत करिए, ढिंडोरा मत पीटिए कि मैं यीशु से प्यार करता हूं। आपका प्यार आपके जीवन में दिखना चाहिए। अगर आप यीशु से प्यार करती हैं तो आपका प्यार आपके जीवन के काम में दिखना चाहिए, चर्च में दिखना चाहिए, चर्च के कामों में दिखना चाहिए, प्रभु की सेविकाई में दिखना चाहिए आपका काम, आपका प्रेम। इट इज अ लॉट, क्योंकि हम प्रेम करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज कुछ हमने सीखा कि नहीं सीखा? हालेलुया। सैटरडे को हमारे क्रिसमस की सभा है। हालेलुया। आज सबको आशीष मिली? प्रेज द लॉर्ड। जो देखने वाले मैं उनके लिए भी बोलता हूं, प्रभु में बने रहिए और अपने अंदर परमेश्वर को रखिए, परमेश्वर के प्रेम को रखिए, घृणा को निकालिए, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। बोलिए यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। God bless you, God bless you, God bless you, hallelujah.